नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन 21-22 में इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आए हैं। ये हमें याद रखना है, ये लास्ट राउंड है इंस्टीट्यूशनल राउंड, तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। पहली इंस्ट्रक्शन है कि जो ऑल नॉन कैंडिडेट एडमिटेड कैंडिडेट है, कोई भी इस राउंड के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। जिन्होंने सीईटी दी है, जिन्होंने सीईटी देने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, ऐसे सारे कैंडिडेट इस राउंड के लिए एलिजिबल है। कैंडिडेट जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब सीईटी दी है लेकिन उसके बाद जिन्होंने एप्लीकेशन ही नहीं भरा था, वो भी कैंडिडेट इस राउंड के लिए एलिजिबल है, उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। जो कैंडिडेट ने पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, अगर उनको कुछ एडिट करना है तो वो एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अनलॉक करना होगा फॉर्म और फिर लॉक करना भी, ये मैंडेटरी है, लॉक करना ही होगा। बिफोर गिविंग चॉइसेस, आपको पहले, आप जब लॉगिन में जाओगे, पहले मेथड सिलेक्ट कीजिए। जो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो एलिजिबल मेथड वहाँ पर आपके लिए आते हैं, वो पहले आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं। मेथड सिलेक्ट करने के लिए आपको अपने लॉगिन में करना होगा। लॉगिन में जाकर आप अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूशनल राउंड और फिर उसके बाद सेट मेथड प्रेफरेंस कर सकते हो। यहाँ कॉलेज कैंडिडेट लॉगिन में आपको अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूशनल राउंड में करके सिलेक्ट कॉलेज करके आपको कॉलेज के प्रेफरेंस देने हैं। ये आपके कॉलेज के प्रेफरेंस देने के बाद ये मैंडेटरी कि आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को कंफर्म करें और लॉक चॉइसेस करें। अगर आप इसको कंफर्म नहीं करते, अनलॉक करते हो, तो आपके एप्लीकेशन, आपका कैंडिडेचर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इस राउंड के लिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी कि आप इसको कंफर्म करिए, लॉक करिए। आफ्टर कंफर्मेशन आप इसकी प्रिंट ले लीजिए कि आपने कौन कौन से चॉइसेस दिए हैं। इसके लिए आपके पास ये प्रिंट होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये लास्ट राउंड है, तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस दीजिए। कितने दे सकते हो वहाँ पर उतने दीजिए, क्योंकि आपका नंबर, आपका नाम हर लिस्ट में आएगा, हर कॉलेज के लिस्ट में आएगा जिसको आपने दिया है। कॉलेज में जितने सीट अवेलेबल है उतने पहले टॉप मेरिट के कैंडिडेट को कन्फर्म किया जाएगा और बाकी को वेटिंग में रखा जाएगा। लेकिन आपका नाम लिस्ट में आएगा ज़रूर, या तो कन्फर्म में आएगा या तो वेटिंग में आएगा। इस तरह से जो भी जितने कॉलेजेस आपने दिए हैं, हर कॉलेजेस में आपका नाम आएगा, कन्फर्म में आएगा या वेटिंग में आएगा, डिपेंड करता है उसमें कुछ कॉलेज में कितने सीट है, या आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये हो सकता है कि आपका नाम एक से ज़्यादा लिस्ट में कंफर्म में आ जाए, तो उसमें से जो भी आप चॉइस लोगे वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा, और जहाँ पर आप एडमिशन नहीं लोगे वो उस कॉलेज में वो सीट वैकेंट होकर वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को दी जाएगी। मिनिमम तो आपको यहाँ दो कॉलेजेस का चॉइस देना ही है, और मैक्सिमम जितना आप दे सकते हो दो, क्योंकि ये लास्ट राउंड है, इसके बाद कोई राउंड नहीं होने वाला है, इसलिए आपको मिनिमम टू कॉलेजेस तो देने ही हैं। अगर ऑलरेडी राउंड वन और राउंड टू में कोई कैंडिडेट को एडमिशन हो गया और अब वो चाहता है कि नहीं, अलग से किसी कॉलेज में उन्हें एडमिशन चाहिए, तो पहले वो अपना एडमिशन जो है पहले या दूसरे राउंड में वो कॉलेज लॉगिन से उन्हें कैंसिल करना होगा, उसके बाद ही ये आप इस राउंड के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो सभी कैंडिडेट ने लॉगिन करना ही है, और इसको मैंडेटरी है कि आप इसको कंफर्म करें और चॉइसेस को लॉक करें। आपको कोई चेंज करना हो ना करना हो, आपको चॉइसेस के लिए उसको अनलॉक करके कंफर्म करना है और लॉक करना है, तभी आपका नाम जो है इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए आएगा। याद रखिए, इंस्टीट्यूशनल राउंड है, मैनेजमेंट कोटा नहीं है, मेरिट से ही होता है और सेम फीस में होता है। तो ये लास्ट राउंड है, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।